विपक्षी दलों के गठबंधन यानी इंडिया की तीसरी बैठक 31 अगस्त से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में शुरू हो गई है। इस बैठक में 28 पार्टियों के 62 नेताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कन्नौज से सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी इस गठबंधन में शामिल होने पहुंची। लेकिन इसी बीच रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मीटिंग में हिस्सा लेने मुंबई पहुंचे, जहां जयंत चौधरी का मुंबई में भव्य स्वागत किया गया। भव्य स्वागत के बाद जयंत चौधरी ने पत्रकारों से बात की और ग्रैंड अलायंस की मीटिंग पर खुलकर अपनी बात रखी। इसी बीच जब जयंत चौधरी से बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर सवाल किया गया कि रामदास अठावले ने मायावती को एनडीए के साथ आने को कहा है, तो इस पर जयंत ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन का भी विस्तार होगा और समय के साथ और भी पार्टियां और नेता हमारे साथ आएंगे। उन्होंने कहा कि कई संगठन ऐसे हैं जो जमीन पर रहकर काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि समान विचारधारा वाले ऐसे संगठन हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप लोगों ने मायावती से संपर्क किया है, तो इसके जवाब में रालोद प्रमुख ने कहा कि संपर्क में तो सबके ही हम रहते हैं। उन्होंने कहा कि जब समय आएगा तो सारी चीजें खुलेंगी। पीएम पद की लड़ाई पर जयंत ने कहा कि मैं इस लड़ाई में दूर दूर तक कहीं नहीं हूँ। एजेंडा हमारे पास है, हम उस पर काम करेंगे, इसके बाद ऐलान करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले शरद पवार ये कह चुके हैं कि मायावती पहले ही बीजेपी के संपर्क में है। हम यही चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे। जो देश में तरक्की पसंद करते हैं, जो देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं, जो समान विचारधारा के दल हैं, सब लोग साथ मिलकर काम करें। मायावती को लेकर आज रामदास अठावले कहते हैं कि अगर वो एनडीए में आते हैं तो उनका स्वागत है, क्या आप लोग भी? इंडिया का भी विस्तार होगा और समय के साथ और भी पार्टियां, राजनीतिक संगठन, लीडर हमारे साथ आएंगे। आप लोग टच में हैं मायावती के टच में हैं आप लोग? देखिए, टच में तो सबके रहते हैं। बता दें कि बसपा पर एक सवाल के जवाब में अठावले ने कहा था कि अगर मायावती राजग में शामिल होती हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा। वो दलित समुदाय के लिए काम करती हैं, लेकिन ये भाजपा को तय करना है कि वह उनकी पार्टी को राजग में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेंगे या नहीं। भाजपा उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने में पूरी तरह सक्षम है, लेकिन अगर वह समाजवादी पार्टी से हाथ मिला भी लेती है तो भी चुनाव में भाजपा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आमच्या दलित समाजाच्या ऍक्टिव्ह नेते आहेत आणि देशामध्ये जे नेते आहेत त्यांच्यामध्ये मुख्यमंत्रीपद जवळजवळ 4 वेळेला घुसवलेल्या त्या आमच्या नेत्या आहेत। त्यामुळे मायावतींचा जो निर्णय आहे त्या स्वतंत्र लढण्याची भूमिका नेहमी त्यांची राहिलेली आहे। त्यांचा अलायन्स कधी कोणत्या पक्षाबरोबर असत नाही आहे। पण मागच्या वेळेला एकदा कांशीरामजी असताना काँग्रेससोबत त्यांचा अलायन्स झाला होता। त्यानंतर मागच्या लोकसभेच्या वेळेला सपा बसपा एकत्र आले होते, पण नंतर पुन्हा त्यांच्यामध्ये एकमत झालं नाही आणि विधानसभेला सपा बसपा वेगळे लढले। तर आता मायावतींचा जो निर्णय आहे तो त्यांच्या पक्षाचा निर्णय आहे, त्यांना तो अधिकार आहे काय करायचं। आम्ही आमंत्रित, आता ते माननीय अमित शहा, जे पी नड्डा यांच्याशी बोलावं लागेल, पण मी नक्की प्रयत्न करेन। मायावतींना आपलं आव्हान आहे की वेगळं लढण्यापेक्षा तुम्ही आमच्यासोबत या, म्हणजे नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली जी आमची एनडीए ची आघाडी आहे या इंडियाच्या आघाडीमध्ये मायावतीने यावं असं त्यांना आपलं निमंत्रण आहे। ब्युरो रिपोर्ट, यूपी तक।